बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर बीएसपी की एक अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूद हैं। तो दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है बसपा सुप्रीमो मायावती के जरिए, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें बीएसपी के सांसद, प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे। तो बीएसपी के दिल्ली ऑफिस में ये मीटिंग होनी है, जहां मायावती, सतीश चंद्र मिश्र, मुनकात अली शामिल होंगे और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि मायावती को सत्ता से दूर रहने का जो डर है वो सता रहा है, पार्टी के खत्म होने का डर, और इसी को लेकर ये कहीं ना कहीं बैठक की जा रही है 2022 के लक्ष्य को लेकर। तो सपा और कांग्रेस बसपा में सेंधमारी कर रहे हैं और ऐसे में बसपा के जो नेता हैं और वो कहीं ना कहीं अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी एक बैठक की गई थी, पिछले एक साल से बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक यहां पर नहीं हुई है और अब 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी कहीं ना कहीं मायावती आज निर्णय ले सकती है। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के जरिए सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसी को देखते हुए, शायद इसी से सबक लेते हुए हम कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो जो कहां काफी वक्त से जहां पर कोई बैठक बसपा की नहीं हुई है, अब इस बैठक के जरिए रणनीति 2022 की। जी बिल्कुल, देखिए यूपी 2022 चुनाव की तैयारी चल रही है और खास बात है कि गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जो हम बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस है वहां पर बैठक शुरू हो गई है और खुद मायावती इस बैठक में मौजूद है। उनके साथ साथ कई नेता यहां पे बुलाए गए, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हो या पूर्व मंत्री हो, सांसदों को इसमें बुलाया गया है। आगे की रणनीति पे चर्चा होनी है कि किस तरह से बीएसपी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और 2022 को लेके सबकी यहाँ पे राय ली जाएगी और राय के बाद में बसपा सुप्रीमो रणनीति तय करेंगी कि आखिरकार 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी का एजेंडा होगा और किस तरह से मैदान में उतरेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अमित इसी के साथ कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर भी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा में जिस तरह से हार मिली थी, अब कहीं ना कहीं उन 11 सीटों पर भी निर्णय लिया जाएगा आज इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए उन 11 सीटों पे तो निर्णय लिया ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो रिसेंटली चुनाव होने हैं, लेकिन जो बैठक का खास प्रारूप है वो 2022 चुनावों के लेके है। अब से कुछ देर पहले बीएसपी की सरकार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे राजभर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे बैठक बुलाई गई है वो खास तौर पे 2022 की रणनीति को लेके है, क्योंकि ऐसे में जब प्रियंका गांधी की वहाँ पे एंट्री हो चुकी है खास तौर पे और प्रियंका गांधी भी एक महिला है तो मायावती सीधे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लगातार टारगेट करती रही है, तो ऐसे में बीजेपी को भी, बीएसपी को भी एक नीतिगत रणनीति के तहत चलना होगा, जिससे क्योंकि सपा, कांग्रेस और बीएसपी तीनों और चौथी बीजेपी जो जिसकी वर्तमान सरकार चल रही है तो हरेक के बीच मुकाबला है, ऐसे में कैसे अपने आप को अग्रणी साबित करें इसे लेकर ये बैठक हो रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।